वो दोनों के दोनों इतने बेशरम आदमी, और घर तबार कुकर लिकट गिरा है। अरे घर तबार लिकट, शर्म कौन है थोड़ी बात, शर्म कौन आंदी के शर्म तारे कोनी, किसका कोनी तारे मारे क्या कोनी तारे कोनी, तामने कौन पूछा मेरे खेत में भी नहीं आ सकता के घर तबार लिकटन की हिम्मत कुकर कर ले रखा ना दोस्त ने, मैं मेरे खेत में भी नहीं आऊं तो गलत है। अरे तो किसका किसकी किसे ही कौन मानता, तो एक मिनट रुक जा, हाथा पाई ना कर, माई माई का माई का हाथ मनु ना सोचे तेरे तो दब जूंगा, ये तो उफाना कनिया बाहर जाके कर ले मेरे भाई। अरे एक बात बता करूं यार, एक मिनट बता, फसल देखी है सारी, एक एक मिनट बता तो तू बता दे मरा में। अरे रपिया खेतर किसी बहन बेटी ने नंगी करे घर है, मैं तो करूंगा। पूछो भाई के पूछना होता हम कई दिन के लगान लाग रहे हो, आंगन लगान लाग रहे हो भाई, के मामला की मामला बताओ के बताना है भाई। एडीआर ठीक ठाक तो हुआ तो? हाँ जी मैं ठीक हूँ भाई। अच्छा और तामी गल्ला तो और भी ठीक हूँ, के कुछ मामला था पूरा यो किस तरह या उलझन हुई कि कड़ा जाके पेच फसा दिया था नोड़ा भाई? पेच फसाने वाली तो यह बात है, हम जान लग रहे थे कि दे वो काम पर। अच्छा और ना पता चला कि भाई उरा में वीडियो बनाना रहे, हम बस सुनती हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट के तौर पर समझाने के अंदर गए थे, और हमने हाथ भी जोड़े पैर भी पकड़े, में वीडियो में दिखने भी लग रहा है, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो नेगेटिव व्यवहार था जमा, और उन्होंने गाली गलोच करी, धक्का मुक्की करी, तो इसमें फिर वह मतलब मेरी मजबूरी बन गई कि मैंने हाथापाई करनी पड़ी, जो गाली गलोच है वो म्यूट कर रखी मैंने, उसमें साफ साफ दिखने भी लग रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज दिखन लग रही है, मतलब लोगों का दिमाग में भी, हमारे भी आज चीज दिमाग में कि यू मामला सारा स्क्रिप्टेड मामला है। ऐसा कुछ कौन है भाई, ये सारे बता दे जितने मुंह उतनी बात है, अगर इतनी इज्जत हमने लागा कि भाई मामला तो क्यों उसने खामा पिटवाने लग रहे हो, वो फिर किसी का हाथ चढ़ेगा ये तो उससे तो पूछ लो के मामला था के नहीं, वो फिर एफ आई आर क्यों कटवा दी उसने भाई? देख मनिक भाई बेरा आपने भी बेरा हमने भी कि मामला 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन डाउट है लोगों का, यो एक सवाल बढ़ता है इस मामले को देख के, नहीं फिर इसलिए क्लियर करना चाहते हैं इस बात को। डाउट दिख रहा है किसने है भाई, और नु बताइए किसने है, पब्लिक में था सवाल आ रहा है, कमेंट आ रही है बिल्कुल, ये कमेंट आपकी वीडियो पे ही कमेंट है, एक कमेंट एक कमेंट भी नहीं है वीडियो पे, एक भी कमेंट नहीं है नेगेटिव होगा भाई ऐसे ऐसे है, अगर भाई ऐसा ही होता ना तो भाई फिर एफ आई आर दर्ज होनी होती भाई पे, जो है एफ आई आर दर्ज हो रही है साथ ही क्या उनका मुकदमा बनेगा। एफ आई आर दर्ज हो चुकी ऐसी खबर आई है वहां से, एक इंटरव्यू में वो बोल रहा है कि मैं कोई केस नहीं करूंगा, वो ये बोलने लग रहा है, वो क्या क्या है, मैं कोई केस नहीं करूंगा, वो यूं कह रहा है मैं केस नहीं करूंगा। हाँ। तो मार दौर भी मतलब कौन सा था चैनल वाला, उनको कहने लग रहा है कि भाई जो है वो अगर भाई माप पे देख लूंगा, पहला मैं फर कटवाऊंगा फिर राजीनामा खातर ये हाथ पा भी जोड़ेंगे यार, पाछा फिर मैं नापे देख लूंगा। और सुबह रे भाई यार तुम इनू भी कह रहे देख भाई तना जानते मारन की धमकी देवा है, तो मतलब अफवाह ज्यादा चल रही है लेकिन सच्चाई यह है अगर भाई, लेकिन भाई देख सीधी बात से देख, समाज जो है ना सारा गेल है बच्चे किमें भी कराया हो, हालांकि एक बार मैंने भी नहीं लगा था कोई गलत कराया है, लेकिन जब जब अपना धर्म है पत्रकारिता अपना माइक है, माइक ऊपर एक शराब भी एक बेवड़ा आदमी जब हाथ मारा है, जब भाई झुंझुलाव है और कितने कितने जो भाई थी जो गाड़ गुड़ दे दी थी, हालांकि मैंने भी इस बात पूरा नहीं मेरा जिसी भाई मैं बात बताई मेरी थी वह उसी में तुमने बताने लग रहा हूँ, और पहला मैं काम कराया करता फिर जो भाई चैनल यो संभाल रहा है, तो इस कारण जो भाई हमारा जो है अभी भी जो कम्बिनेशन है, लेकिन भाई ने जितना बताई अगर एक बार तो न्यू भी होगी थी भाई तामने जो है इसमें करी क्यों भाई, जब मनाई ली वीडियो तो तामने डाल ली क्यों, लेकिन मेरे तो बिना बताई जो इसने डाल दी थी वीडियो के कारण था के नहीं, लेकिन बाद में फिर वे यूं कहने लगे अगर भाई जो है इसने तो बदतमीजी से रेखा के लिए भी करी है वाह, जो कि वाह लुच्ची बेटी जो कह रहे हो उसने भी गड़बड़ करी है, इसने भी हाथापाई करी है, इसका गेल करी है, तो उस कारण जो भाई हमने वीडियो काटी को ना, और काट देंदे तो फिर हम बूंदे हो यार, एक बार वीडियो चल ली थी तो यही कारण था कि भाई काटी को ना, और इसका भाई कितने कितने जो भाई हमने बेस्ट रिजल्ट दिखा है, अगर भाई समाज भी जो हमारे गेल है तो कानून की तो हम पालना करा हाँ, तो मना हमने अपराध कर दिया तो भाई देखो सजा भी हम भुगताए, हम भी सजा भी भुगताए, लेकिन जो है समाज ने जो हमारा साथ दिया है ना इतना मेरे ख्याल तो कोई दे नहीं सकता, समाज हमारे गेल है, और समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं मीडिया ने उम्मीद लगाए बैठे है समाज अपना कि भाई अपना तो एक उम्मीद है आप ही माध्यम हाँ जनता की आवाज़ तो उठाने वाले ऊपर तक पहुंचाने वाले, और एक समाज में जागृति फैलाने के लिए भी ये सब कराया, लेकिन
कहीं ना कहीं हाथापाई हुई, वो कानूनी तौर पर देखो गलत है, हम भी इस चीज़ ने मानना है कि भाई अपना कानून इस चीज़ ने लो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर देखा तो वो गलत नहीं है, जो समर्थन समाज का मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। मारपीट की नौबत क्यों आई, ऐसा क्या था मारपीट करना जरूरी होया? मारपीट की नौबत इस तरह आई सतीश भाई कि हमें जब भी उसके दौरे बैठे मैं टिकाई थे आराम थे उसके पास बैठ गया था, और मैंने बैठने के बाद उसको समझाया कि भाई तू इस तरह काम अपने उरे हरियाणा में तो ना कर, कम से कम कितने बाहर जाके कर ले, क्योंकि अपना समाज इस चीज़ में नहीं मानता, अपनी संस्कृति नहीं, अपनी सभ्यता ना बिगाड़ा तू, अपनी संस्कृति ने ना बिगाड़ा, अपने संस्कार ना बिगाड़ा। लेकिन मैं जिस तरह उसके दौरे बैठा तो उसने मेरे बैठे बैठे का धक्का मारा, और फिर हम ही उसके मतलब खड़े हो गया, मैं खड़े होने के बाद फिर खड़े होया तो मैंने उससे यह बात कही कि भाई मतलब रुपया खेत रहा किसी की बाण पेट ने क्यों क्यों कपड़े उतार रहा है, तो किसी बाण पेट ने क्यों लंगी कर रहा है, तो फिर उसका जवाब क्या था ये जब आपने बोला नहीं बाण पेट को? उसका जवाब यू आया था कि भाई मैं रुपया खेत मतलब कुछ मेरे बारे में होती गलत बोल दिया था सारे मीडिया के ऊपर सवाल उठने लगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक समझदार इंसान हो। देख भाई देख मैं यह बात क्योंकि कानून आपने हाथ में लिया है सुशील भाई, देख बात यह है कि यह चीज कहूँ कि पत्रकार की मर्यादा हुआ है, देखो पत्रकार की मर्यादा हुआ नहीं तो पत्रकार का सामने वाले की तो कुछ मर्यादाएं होती होंगी, इसी बात नहीं है इनमें या थोड़ी है कि वो सामने वाला मैंने गाली गलोच कर रहा है, मेरे गला हाथा पाई कर रहा है, मेरा माइक ने तोड़ा मरोड़ा है, तो मैं यार किस तरह देख सकता मतलब पुलिस का भी तो सारा लेस को थे, ग्रामीणों का सरपंच का कोई नंबरदार का भी सारा लेस को थे, कानूनी तौर पर देखा तो ठीक है, गांव वाले ने तो उनका हाथ पैर जोड़ लिए, कितनी बार तो पंचायत हो ली, वह छोरी वह गांव वाले ने कैट रखी, वह गांव में बढ़न जी को नहीं हो उसका तो आपके साथ बदतमीजी की तो वहां कुछ सोल्यूशन हो जाता नहीं, गलती तो देख मारी है भाई हाथ, जब कानून ने हाथ में ले लिया तो गलती तो नॉर्मल सी बात है भाई मार दिया, लेकिन गलती मारी इतनी भी है कि वो अगला खेत से तो भी जा रहे, लेकिन एक सामाजिक तौर पर जो है मनीष भाई तक कही थी मैं कहता हूँ जो है एक लास्ट वीडियो बना जिसमें जो तू हाथ जोड़ की विनती कर ले भाई लास्ट, इसके बाद में जो खोखा था मारी इसी कराओ चाहे कुछ भी करो मानने का तो है ही नहीं, और झुंझड़ भाई सब में भरी पड़ी थी, तमी भी खड़े होने जब उसका कपड़ा बांध देना आख्या गया, और जब तमने रूम में बांट दिया तो तमी सारे एक एक जने पक्का से क्योंकि झुंझड़ इतनी आ रही थी लोगों ने कम मतलब लोग फोन कर करके न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई मामी दोहरा कौन नहीं तो माड़ा गालना तारा है खोआ बिठा की नचा इतना बढ़िया काम कर दिया, तो भाई हमने तो यो सुनना चाहिए था, यो काम हो गया और कितने कितने इसका ना बढ़िया मैसेज भी आया भाई सारे भाई समाज में पॉजिटिव मैसेज गया और जागृति फैली है, और अगली जो वीडियो आई है उनकी अश्लील वीडियो नहीं उसकी ध्यान तो देखिए कॉमेडी वीडियो बना रहा है उसने वीडियो आ रही उसकी एक उसकी बाद में उस दिन वीडियो शूट करना आ रहे थे वे धान का खेत में पिट के पिटने के बाद में एक वीडियो फेर आ हाँ फेर आई है जिसमें उसने मतलब असली बातें जो इस तरह कुछ नहीं करा की एक नॉर्मली जो है एक एक्टिंग का तौर पर एक मतलब हंसी मजाक की वीडियो फनी वीडियो जो उसने मना रखी उसमें वहां चली, और वो कोई सिस्टम नहीं था भाई कपड़े तार दिए न्यू कर दिया, और भाई वो सिस्टम कौन देखा हमने, और हमने बड़ी बढ़िया लगा भाई वो सिस्टम मतलब मारपीट के बाद हमें लगा वो उसमें सुधार आ गया, हाँ काफी सुधार आ रहा है मतलब होना चाहिए था, ये होना चाहिए था बढ़िया है हमारा तो मानना यो है बढ़िया जब हमने कराया, तो गांव वाले की कह रहा है तो कुछ सुनना भाई, जो गांव वाले के को इसमें बात गलत हो है, गांव वाले तो नुकन लग रहे हैं भाई जिस टाइम आओ नहीं पर घंटी मार दियो ढोल बाजे तो तारा स्वागत करेंगे, ये बताओ हम के मानना इसने इस समय कानूनी तौर पर तो गलत है, ये घना बड़ा छोटा एग्जांपल बता देता हूं अपना भाई हर्षिकारा कानूनी तौर पर गलत करा है, गरीब आदमी आके कब्जे होए मकान छुटवावा है आपका लटका दम पर करे तो इलीगल काम है लेकिन करे तो समाज खातर है, समाज जे भाई हम तो मारा एक मानना जाए किसी का हम जी दुखावांगे ना तो ममता मतलब मारता बटा कोई पापी को ना, लेकिन हम समाज का जिस का जी दुखन लाग रहा है उसका मतलब सारा बन के जो उसका एक दिल खुश कर देंगे ना उस तो बड़ा हमकी मेहमान देखो वो सबसे बड़ा पुण्य है सीधी बात है। सुमित भाई आपकी एक पहचान है हरियाणा के अंदर, ये शुरुआत खोखा से हुई है ऐसे इस तरह के और भी बहुत सारे मतलब वीडियो बनाने लग रही है किस तरह मतलब समझानी भाई की? मतलब अडल्ट कंटेंट की बात करें तो ये खोखा वाला नहीं और भी तो लोगों का मानना है लोगों के सवाल है ये देखो झुंझड़तावा दे मैं बताऊंगा झुंझड़तावा है सब पावा है लेकिन ये एक सारा भी बन गया तो पिटना तो था वो मौका भी मिल गया दे सही सही बात बताऊंगा कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है इसका काफी झुंझड़ उठ रही थी लेकिन उसने मौका दे दिया अब भाई पिटन का सारा बन गया अब उसने पहला हाथापाई कर दी फिर इतना भाई गांधीवादी मेरे ख्याल से सर हरियाणा ना कदे मैं था और ना कदे यो है ना ही कोई संसार कोई भी चैनल को ना भाई और कोई खा भी जा तो भाई उसका बेरा को नहीं लेकिन गांधीवादी को नहीं भाई हम तो भाई भगत सिंह वाली विचारधारा ज्यादा रहे हैं क्रांतिकारी हैं सीधी बात है समाज मार गए ना मामलों कोई चिंता जिस तरह भाई सुशील आपने बताया कि
और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाने लग रहे हैं, उन तक भी भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना हरियाणा ना बिगाड़ो, अपनी संस्कृति ना, अपने संस्कार ना, अपनी सभ्यता ना बिगाड़ो, ना बिगाड़ो भाई। क्योंकि जो आजकल देखने लग रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप का भी ज्यादा चल रहा है सिलसिला, तो एक मतलब धीरे धीरे आप ये कह सकते समाज के लिए खतरा है, अंदरूनी खतरा है समाज के लिए। और अपनी संस्कृति यदि कल खिलवाड़ हो गया अपनी संस्कृति के साथ, अपने हरियाणा की संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, तो उसके लिए खुद अपना समाज जिम्मेवार होगा भाई, आप ही खुद जिम्मेवार होंगे, आप ही मीडिया वाले भी अपना अपना मतलब दोषी समझेंगे उस चीज़ के अंदर कि भाई अपना समाज में इतना कुछ हो गया, अपनी संस्कृति में इतना बड़ा बदलाव हो गया, इतना खिलवाड़ हो गया, और आप ही मीडिया वाले हो गए भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा इसके, तो ये मतलब आप ही खुद ना भी इस चीज़ के लिए दोषी मानेंगे। FIR का जिक्र करे है आपने, क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा कॉल आई हो या आपके पास से कोई मैसेज वगैरह आया? CID वाला के मेरे तो एक दया के फोन आया मैडम, और क्राइम ब्रांच से भाई कोई बता था, महकमा भी था, उन तक फोन आ रहा है पर के मामला है, लेकिन उन तक मारती मतलब कोई किसी प्रकार का दबाव कौन दिखा कि भाई जो हमने गलत कराया वो उनको चलो कोई नहीं बस टाला गया है, मन पूरा शक है वो तो ना टला गया है, लेकिन उसने नीचे नीचे जो एप्लीकेशन दे रखी ताकि जो ये डिले बैठ जाए और कोई ना कोई जिस तरह वीडियो वाडियो काटते हैं इनका थोड़ा सबूत गायब हो जाए और फिर हम कोई एक्शन कर लें, लेकिन यो एक्शन मेरी ख्याल तो कौन है क्योंकि समाज मारे गेल है, जब गांव सारा रुक के मारना लग रहा है कि भाई चौड़े पैट दिए ने सही काम कर दिया तो भाई चे फिर हमने फांसी बिटाएंगे हम तंगण में तैयार हैं। आगे भी भविष्य में भी ऐसा हो सके। देखो मैडम सीधी बात से लगना तो सा इन चीजा जो ये काम करना लग रहे हैं उनके ऊपर संदकासंद की मतलब हमने बादशाह बुंडा लग गए हैं, लेकिन हम कह कौन सकते, लेकिन जिस टाइम मौका मिल जाए कहन का उस टाइम दाऊ सूत्री डाल के। भगत सिंह की विचारधारा का जिक्र करे आपने कि जो अभी हम देखने लग रहे हैं यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है, तो के बारी सबकी आनी है कि सबकी मैडम देखो जर्दी चारा चाल लगा उड़ती चलाओगे जर्दी चारा चाल लगाना जर्दी विरोध हो सका उड़ती। हम भी इस पर यह चीज नहीं करना चाहते, हमारा हाथ थपाई करना इस पर कोई मकसद नहीं था, हम तो उसकी हाथ पैर जोड़ के ना समझाने लग रहे थे, लेकिन उसने जो व्यवहार हमारे साथ कराया जो दुर्व्यवहार उसने कराया उसके कारण हमारी मजबूरी बनी, और जितने भी और इस तरह के कंटेंट बनावा उन तभी हाथ जोड़ा भाई ना ना सवाल आ जाए भाई तो कोई भी हो हम तो मान मरण ना त्यार माँ बाप का जिक्र जैसे गाड़ी हुआ हाँ हाँ बिल्कुल ओके है। पहल कौन से तरफ हुई थी? पहले उसकी तरफ तो हुई थी भाई, जिस तरह पहले तो धक्का वगैरह मारा भाई ने मेरी थी बताई है, और इसकी जो ओरिजिनल वीडियो है ना जिस तरह म्यूट इसमें तो म्यूट मैट करा क्या सारा होता जितना भी, और जो ओरिजिनल वीडियो है ना वो हमारे पास सेफ है और उसने पब्लिश ना कर सकते तो क्योंकि ये गाइडलाइन है यूट्यूब की गाइडलाइन है तो हम बिल्कुल सेफ हाँ उसमें भी सेफ हाँ और समाज की तरफ भी हम बिल्कुल सेफ हाँ बिल्कुल सेफ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ बताओ कोई सवाल हो तो भाई सेल्फ डिफेंस में भी कर सका हाँ पे अगर समी आला मानस अपने ऊपर मुजम्मा मारने मारने खतरा हो आत्मरक्षण खतरा मैं बताऊंगा। देखो इस भाई ने जो है मेरी ख्याल तो दोनों बढ़िया करया जे मैं कानूनी तौर पर गलत कहता हूँ हालांकि गलत करे कानूनी तौर पर लेकिन एक सामाजिक तौर पर पत्रकार के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता आया है और मैंने पहली बार देखा है कि पत्रकार के ऊपर जब हमला कराया गया तो पत्रकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा ही सब न होना चाहिए, जब कानून अगला हाथ में ले सके तो हम भी ले सका आत्मरक्षा सब ना हाँ बिल्कुल यही बात है भाई बिल्कुल मतलब ऐसा पहली बार बनेगा पत्रकार पिटा निजे हर ना पत्रकार ने पिटा निजे हर जगह सुनने बाबा पत्रकार पिटा है यू बिल्कुल सुनने मिला है लेकिन भाई ना मैं तो देखो भलाई से छेंद्र मुकदमा भलाई मन जाइयो एक और मैं तो देखो भाई सही मान ना ना एक जनता का मुकदमा एक तो बात सुनना ही छेंद्र सुनो यो साथी क्या साथी क्या मतलब गरीब को मान अच्छा नहीं लगा देख रहे सुनना बाबा गरीब पीट दिया बस तकड़ा होता जो काम बना को गरीब गंदे गंदे काम करता हो तो गंदे काम कर सबसे बड़ी बात है कि उनका समाज जो है वो भी हमारे साथ है, हमारी की माँ बेटी उनमें वो हमारी बाण को नहीं ऐसी समाज की हमारी बाण को नहीं बार बार करने लग रहा है कि भाई जो गरीब आदमी समझ के पीट दिया तो भाई सीधी बात से बाण बेटी जो हमारी ऐसी समाज में भी है और कहीं ना कहीं भाई वो भी विरोध करने लग रहा है इसका ये बात हमने कानूनी तौर पर देखो गलत किया है कानून हाथ में लिया लेकिन सामाजिक तौर पर हम सही हैं और समाज का समर्थन भी हमें मिलने लग रहा है और सब तो अपील भी आएगी भाई अगर आप ना हम सही लागा तो हमारा साथ दो भाई धन्यवाद चलो धन्यवाद सर।